मध्य प्रदेश की रतलाम मंडी में किसान ने 16,151 रुपए प्रति क्विंटल के भाव से अपनी सोयाबीन बेची। पहली बार इतनी कीमत मध्य प्रदेश के जिला रतलाम की मंडी में सोयाबीन की आवक शुरू होते ही हो गई। पहले दिन तो किसानों की चांदी ही हो गई समझो। एक क्विंटल सोयाबीन के बदले किसानों को जो कीमत मिली उसकी उम्मीद तो उन्हें भी कभी भी नहीं रही होगी। रतलाम की सैलाना कृषि उपज मंडी में नई सोयाबीन की पहली आवक हुई है। पहले ही दिन मंडी में सोयाबीन 16,151 रुपए प्रति क्विंटल के भाव से बेची गई। पहली बार इतनी ऊंची बोली पर सोयाबीन बिकती नजर आई। 3 क्विंटल सोयाबीन के लिए गांव नांदलेटा के किसान करीब 52,705 रुपए का भुगतान किया गया। सैलाना मंडी के सचिव के अनुसार मंडी में सोयाबीन की नई आवक होते ही किसानों ने पहले अनाज की पूजा अर्चना की, जिसके बाद बिक्री शुरू हो गई। कुल 75 क्विंटल सोयाबीन बाजार में आई थी, जो 7,000 से लेकर 16,000 रुपए प्रति क्विंटल की दर से बिकती हुई नजर आई। सोयाबीन की MSP 2021-22 के लिए केंद्र सरकार ने 3,950 रुपए प्रति क्विंटल तय की है। इस हिसाब से देखें तो किसानों को पहले दिन मंडी में जो कीमत मिली वह MSP से काफी ज्यादा है। इस साल दाम कुछ ज्यादा है। दाम ज्यादा होने की वजह यह है कि पुराना स्टॉक खत्म हो चुका है और सोयाबीन जब बाजार में आई है तो बाजार पूरी तरह से खाली है। ऐसे में सोयाबीन कम जरूर है, लेकिन अच्छी क्वालिटी का सोयाबीन ऊंचे दामों पर बिक रहा है। सोयाबीन का सबसे ज्यादा इस्तेमाल तेल और खाद्य वस्तुओं में होता है। हाल ही में पशुओं के चारे और DOC में इसका भारी इस्तेमाल शुरू हुआ है। DOC की बढ़ती डिमांड के चलते सोयाबीन का रेट ऊंचा है। आने वाले दिनों में इसके दाम कम जरूर होंगे, लेकिन बीते साल के मुकाबले किसानों को इस साल फायदा होने की उम्मीद है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स TV.